हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में आपको पार्शियल डेरिवेटिव का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक आता है, तो प्लीज़ को आप आखिर तक देखिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा क्या है। इफ थीटा इक्वल्स टू टी की पावर एन, ए की पावर माइनस आर स्क्वायर अपन 40, व्हाट वैल्यू ऑफ एन विल मेक 1 अपन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इक्वल्स टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। ओके, ये जो है ये इक्वल कब होगा एन की वैल्यू पे, अपने को पूछा हुआ है। बेसिकली अपने यहाँ पे करना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे आपको जो गिवन दिया हुआ है, गिवन देखो क्या दिया आपको यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू टी की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 40 आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, LHS में आते हैं। ठीक है, LHS मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो दिया हुआ है उसमें आते हैं। तो देखो हमको इसको सॉल्व करने का अप्रोच कैसे रहेगा, हम लोग यहाँ से बाहर की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ थीटा को पहले अपन आर के एस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको अपन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको अपन आर के एस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको अपन क्या करेंगे, 1 अपन आर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको अपन ने करना है LHS वाले पार्ट में। RHS में क्या करेंगे अपन लोग, जो थीटा है उसको अपन टी के एस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे फाइनली LHS को RHS अपन आपस में इक्वेट करके विल ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ एन। ओके, तो ये अपना जो है अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले देखो हम क्या करेंगे, थीटा को अपन आर के एस्पेक्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखना आपस आप लिखना है यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको। तो आर के एस्पेक्ट में करने पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है जहाँ पे आर दिया हुआ है, वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे टी जो है अपना कॉन्स्टेंट टाइप का बिहेव करेगा। ओके, तो यहाँ पे टी की पावर एन इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 40 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब माइनस आर स्क्वायर विल बिकम माइनस 2R अपॉन में 40। ओके, ये अपना हो गया। अब यहाँ पे इसको से कैंसिल कर लो, ये अपना टी हो जा 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो माइनस आर दिया उसको बाहर निकाल लो, यहाँ पे जो 2 है उसको बाहर निकाल लो, दैट इज माइनस आर अपॉन में 2। देखो यहाँ पे टी की पावर एन है, यहाँ पे टी है, तो दिस विल बिकम टी की पावर एन माइनस 1 और ये एज इट इज़ आएगा, दैट इज ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 40। ओके, ये अपना निकल चुका है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर स्क्वायर इंटू डेल थीटा अपन में डेल आर दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम माइनस आर क्यूब अपन में 2 टी की पावर एन माइनस 1 ए की पावर माइनस आर स्क्वायर अपन में 40। यहाँ तो निकल गया है। अब फर्दर देखो हम क्या करेंगे, इसी को अपन लोग आर के रिस्पेक्ट में फिर से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो दिस टाइम यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म आएगा डिफ्रेंशिएशन का। तो यहाँ पे डेल अपॉन में डेल आर टाइम्स आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन में डेल आर। ओके, यहाँ पे देखो क्या होगा, एक काम करते हैं पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कीपिंग दिस कांस्टेंट, फिर इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको अपन पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बिकम 3 आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये 2 जो है नीचे आ गया, आर क्यू विल बिकम 3 आर स्क्वायर, बाकी को एज इट इज लिख देते हैं, दैट इज़ टी की पावर एन माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 40। ये अपना हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, प्लस होगा कि नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ ना, देखा नेगेटिव था कि नहीं, तो यहाँ पे फिर से आपको नेगेटिव आएगा और दिस टर्म दिस विल बी कॉन्स्टेंट, तो आर क्यूब अपॉन में 2 एज इट इज़ आएगा। आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएटिंग, है ना, इसको अपन पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू आर, तो अपना टी क्या है कॉन्स्टेंट रहेगा। तो दिस इज टी की पावर एन माइनस 1, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 40। ओके, अब इसको करो, दिस विल बिकम माइनस 2R, और देखो यहाँ पे क्या नीचे 40 है कि नहीं, तो 40 को नीचे यहाँ पे रख दो, ये अपना हो गया। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो अपने पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखो उसको माइनस 3R स्क्वायर अपॉन में 2 टी की पावर एन माइनस 1। अब ये जो है ना, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव अपना क्या होगा, देखो आर की पावर 4, आर की पावर 4, और देखो यहाँ पे क्या रहेगा अपॉन में 2, इसको उससे काटो तो अपना 2 हो गया, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। अब यहाँ पे टी की पावर एन माइनस 1 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे टी है, तो ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, टी की पावर एन माइनस 2 हो जाएगा ये। ओके, ये अपना हो चुका है। अब ब्रैकेट को क्लोज कर लो और बाहर में अपन क्या लिखेंगे, जो कॉमन पार्ट है दैट इज ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 40, ये अपन यहाँ पे लिख दिए। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ तो सॉल्व कर चुके हैं ना, अब क्या करेंगे, देखो आर स्क्वायर जो है 1 अपन आर स्क्वायर
से अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दैट इज़ यहाँ पे लिखो आप, यहाँ पे वन अपॉन आर स्क्वायर, फिर लिखो डेल अपॉन में डेल आर टाइम्स आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन में डेल आर। ओके, यहाँ पे देखो जब मैं आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, है ना, ये अपना वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विल बिकम वन। तो यहाँ पर लिखो माइनस थ्री अपॉन में टू टी के पावर एन माइनस वन, ये हो गया अपना। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जब मैं आर स्क्वायर से डिवाइड करूँगा दिस विल बिकम आर स्क्वायर अपॉन में फोर, दिस विल बिकम टी के पावर एन माइनस टू। ओके, इसको ऐसा बंद कर लो, यहाँ बाहर लिख लो ई के पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में फोर टी। ये अपना हो चुका है एल एच एस वाले पार्ट का। ओके, अपन अब आर एच एस वाले पार्ट में दैट इज थीटा को मैं क्या करूँगा, टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँगा। ओके, ऑल्सो यहाँ पे लिखो ऑल्सो डेल थीटा अपन में डेल टी अपन करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो आपको यहाँ थीटा क्या दिया हुआ है, इस टाइप का दिया हुआ है ना, टी की पावर एन। ओके, तो देखो ये अपना क्या हो जाएगा, ये एन टाइम्स टी की पावर एन माइनस वन हो जाएगा और ये अपना कॉन्स्टेंट हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे लिखो ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में फोर टी, इसको लिख दिया सर। फिर क्या होगा, प्लस देखिए इसको कॉन्स्टेंट कर लो आप, तो देखो अपना ये क्या हो जाएगा, टी की पावर एन हो जाएगा। अब इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, देखो क्या बनेगा यहाँ पे आपका, ए की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में फोर टी बनेगा यहाँ पे आपका। फिर देखो आर स्क्वायर अपॉन फोर क्या रहेगा आपका, कॉन्स्टेंट रहेगा, तो आर स्क्वायर अपॉन में फोर कॉन्स्टेंट हो गया है। वन अपॉन टी, वन अपॉन टी बचेगा यहाँ पे आपका, वन अपॉन टी विल बिकम माइनस वन अपॉन में टी स्क्वायर। ये आपको जो है इसको सॉल्व करने पे मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ भी ऐसा है कि ये जो पार्ट है आपको कॉमन है कि नहीं, तो उसको पहले अपन कॉमन लिख लेते हैं, ए की पावर माइनस आधी स्क्वायर पॉइंट में फोर टी, और बाकी जो बचा हुआ है उसको अपन लिखते हैं फिर। देखो यहाँ देखो क्या बचा, एन इन टू टी के पावर एन माइनस वन बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस अपन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वन अपॉन फोर लिख लो, यहाँ पे वन अपॉन फोर मतलब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन फोर लिख लो, यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन में फोर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे टी की पावर एन, यहाँ देखो क्या लिखा है, टी स्क्वायर लिखा है, दिस विल बिकम टी की पावर एन माइनस टू, ये अपना बचेगा और कुछ नहीं बचा क्योंकि जो बचा हुआ है उसको मैं यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन बाहर निकाल चुका हूँ। तो ये अपना हो चुका है। तो यहाँ पे एज पर क्वेश्चन, एज पर ठीक है, क्या बताओ, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस कब आएगा, एन की वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पहले इसको लिख लो यहाँ पे माइनस थ्री अपॉन टू टी की पावर एन माइनस वन, ओके, प्लस आर स्क्वायर अपॉन में फोर, यहाँ पे लिखो टी की पावर एन माइनस टू, इसको ऐसा कर दिए, इसको जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में फोर टी, इसको ऐसे लिख दिए। नाउ दिस इक्वल्स टू, इसको लिखो e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में फोर टी, ओके, यहाँ पे लिखो n t की पावर n माइनस वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन में फोर, यहाँ पे लिखो t की पावर n माइनस टू, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिया बताओ, तो ये है ना, देखो दिस इक्वल्स टू दिस आपको ऑलरेडी दिया है कि नहीं, तो क्या कर रहा, देखो आप मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, इसको जो इससे मैं आपस में इक्वेट कर दिया हूँ, तो ये आपको जो कैंसिल हो गया, ठीक है। और अगर आप ध्यान देखोगे ना, देखो आपको ये वाला जो टर्म है इससे पूरा आपको पूरा मैच कर रहा है, आर स्क्वायर अपॉन फोर टी की पावर एन माइनस टू, आर स्क्वायर अपॉन फोर टी की पावर एन माइनस टू, ये अपना मैच कर रहा है। और यहाँ पे देखो माइनस थ्री अपॉन टू टी की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू एन इन टू टी की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जा रहा है दैट इज एन इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस थ्री अपॉन में टू, और यही कि अपना फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से बता पाया हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।